वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे वीरों भैनों, अज असी थोनू गुरु गोबिंद सिंह जी की एक विचित्र कहानी सुनावांगे। वीडियो शुरू करन तो पहला एक लाइक अते सोहना जा कमेंट जरूर कर दिया करो, ताँ जो असी तुहाडे लई होर वीडियोज़ बना सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जदों साबों की तलवंडी जिला बठिंडा विच पुजे तां उत्थे दा जगीरदार डल्ला गुरु जी का बहुत वड्डा सरदालू सी, इसलिए उसने गुरु जी नूं अपने इत्थे रोकिया। कई असफलतावां दे कारण मुगल फौज ने गुरु जी का पिछा करना छड्ड दिता। हुण राजा डल्ला गुरु जी नूं उन्हां दे साहिबजादियां दे लड़ाई विच शहीद होण उत्ते सोग व्यक्त करन लगा अते कहा कि जेकर तुसी मैनूं याद कीता हुंदा तां ओह अपनी फौज सहित पहुँच जांदा, शायद साहिबजादे शहीद ना हुंदे। गुरु जी दे नाल नाल गल करदे होए ओह अपनी फौज दी बहुत प्रशंसा कर रहा सी। तां गुरु जी ने कहा, अच्छा डल्ला, फिर कदे असी तुहाडे जवानां अते तुहाडी प्रीख्या लवांगे। उदों गुरु जी का एक चेला बहुत दूरों दर्शन लई आया सी अते गुरु जी नूं एक सुंदर बंदूक भेट विच दित्ती सी। उस बंदूक नूं वेख के गुरु जी बहुत खुश होए अते कहन लगे कि उस बंदूक दे निशाने दी प्रीख्या करनी है अते उस दी घातक शक्ति नूं भी जांचना है। अच्छा तां डल्ला, तुसी अपने एक नौजवान नूं भेजो जिस उत्ते ओह निशाना लगा के उस बंदूक दी शक्ति वेख सकां कि यह किन्नी घातक है। हुण डल्ला मनाही नहीं कर सकिया, ओह अपने सैनिकां दे कोल अपड़िया अते सारे सैनिकां नूं गुरु जी दा हुक्म सुनाया कि उन्हां नूं एक बंदूक दी घातकता दी प्रीख्या लई एक जवान दी जरूरत है। है कोई एक जो अपने आप नूं उस काम लई पेश कर सके? इस उत्ते सारे सैनिक दा दो टुका जवाब सी कि किसे युद्ध क्षेत्र विच तां दो दो हथ दिखाणगे, पर अणचाही मौत बिना लड़ मरे ओह गोलियां दा निशाना नहीं बनना चाहुंदे। इस उत्ते डल्ला निराश हो के परत आया। इह वेख के गुरु जी कहन लगे, अच्छा डल्ला, तुहाडा कोई फौजी तुहाडी गल नहीं मनदा, तां ठीक है, तूं आप ही साडी बंदूक दी प्रीख्या लई अपने आप नूं पेश कर दे। पर इह सुन के डल्ला घबरा गया अते कहन लगा, साहिब, मैं किवें मर जावां? मेरे पिछे राजपाट दा की होवेगा? हुणे तां मैं दुनिया विच वेख्या है कि इह सुन के गुरु जी ने कहा, अच्छा डल्ला, तूं अजिहा कर, साडे डेरे उत्ते चले जाओ, वेखो उत्थे मेरे सिख होणगे, उन्हां नूं दसो कि गुरु जी ने बंदूक दी प्रीख्या करनी है, इस लई उसदा निशाना बनन लई केवल एक सिख दी लोड़ है। डल्ला हुक्म मन के गुरु जी दे लंगर दी तरफ चला गया। उत्थे गुरु जी दे दो सिख लंगर दी सेवा कर रहे हन जो आपस विच प्यो पुत सन। उदों भाई डल्ला ने उन्हां नूं गुरु जी दा हुक्म सुनाया। इह सुनदे ही बाप पुत्तर दोनों भज के गुरु जी दे कोल जा पहुंचे। उस समय पिता दे हथ आटे वलों लिबड़े होए सन अते पुत पगड़ी लपेटदे होए आया सी। पुत युवा अवस्था विच सी सो भज के जल्दी पहुंच गया, पर पिता गुरु जी वलों कहन लगा, हे गुरु जी, मैं तुहाडा हुक्म पहला सुनिया है, इसनूं बाद विच मैं दस्या है, इस लई मेरा हक है कि तुसी मैनू निशाना बनावो। पर पुत दी दलील सी कि ओह उन्हां दे कोल पहला पहुंचिया है, इस लई उन्हां नूं निशाना बनाया जावे। इस उत्ते गुरु जी कहन लगे, दोनों एक लाइन विच खड़े हो जाओ। इस उत्ते पुत अगे अते पिछे पिता खड़ा हो गया, पर पिता दा कद छोटा सी, इसलिए उसने अपने पैरां दे हेठ इंटा रख लईयां। उदों गुरु जी ने बंदूक दी नाली थोड़ी सी दूजे पासे कर दित्ती। ओह दोनों भज के फिर नाली दी सीध विच खड़े हो गए। उदों गुरु जी ने नाली दा मूँह फिर घुमा दित्ता अते इह वेख के ओह लोक फिर नाली दी सिद्ध विच आ गए। गुरु जी ने इस प्रकार वार वार नाली दा मूँह घुमा दिंदे सन
ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਭਾਈ ਡੱਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਆਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਵੀਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਯੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫੌਜੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ।